मैगांव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर खींचतान दिखती है। इसी को लेकर वर्तमान कांग्रेस पार्षदपति और पूर्व सरपंच ने कहा कि यदि ओपीएस को टिकट नहीं होता तो चुनाव में बगावत कर सकते हैं और स्थानीय लोगों ने 5 साल के विकास कार्यों को गिराना शुरू कर दिया है। लोगों का दावा है कि इतने विकास 70 सालों में नहीं हुए। मंत्री जी उनके काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। हमारी जो पत्नी है वो कांग्रेस से पार्षद हैं, तो हम जिनके ओपीएस जी के काम से प्रभावित होके हम इन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे और आगे भी इन्हीं को करेंगे। हाँ, वो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। आप कांग्रेस से होने के बावजूद भी आप जीते हैं कांग्रेस से और बीजेपी का आप सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ओपीएस जी का काम अच्छा था इनका, इनसे अच्छा प्रभावित हैं हम इनसे। इनका क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अभी तक ऐसा कोई विधायक नहीं, अभी तक इनके कार्यकाल में ऐसा विधायक अभी तक मिलने वाला नहीं है। यदि ओपीएस को टिकट नहीं मिलता तो आगामी दिनों में क्या करेंगे आप? ओपीएस अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम जैसे विरोध करेंगे और क्या। किसका विरोध करेंगे? भाजपा का विरोध करेंगे। तो फिर आप कांग्रेस के साथ देंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह गुर्जर है। टिकट मंत्री जी का होना चाहिए भाई साहब, वो बीएस भदौरिया जी। आखिर मंत्री का क्यों टिकट होना चाहिए? अरे उन्होंने 5 साल में बहुत विकास किया है क्षेत्र में। इससे पहले क्या यहाँ इतना विकास नहीं नहीं हुआ इतना विकास? क्या मानते हैं? मानते सीट निकलेगी, जीतेंगे जी, टिकट होगा तो। यदि ओपीएस का टिकट नहीं हुआ फिर क्या करें? फिर का अपन वोट नहीं देंगे भाजपा? ऐसा क्या किया है जो लोग जनता ओपीएस की मांग कर? देखिए, ओपीएस सर ने बहुत सारे रोड आपको दे मिलेंगे, सीसी रोड मिलेंगे। पहले गड्ढे थे अपने को आने जाने में, स्कूल भी मतलब नहीं था, स्कूल दी, प्राथमिक स्वास्थ्य भी नहीं था, स्वास्थ्य भी दिया, बहुत सारे रोड भी बनवाए हैं, तो बहुत सारा उन्होंने विकास किया, इसलिए लोग उन्हें पूर्ण तरह से चाहती है। यहाँ क्षेत्र के लोगों ने ऊपर तक खबर पे जो है पहुँचाई है कि ओपीएस भदौरिया कहीं ना कहीं रेत में लिप्त नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो भी लोग हैं उस हिसाब से जो भी मतलब नाम कमाते हैं तो कुछ लोग नेगेटिव पॉइंट उसमें फैलाते हैं, ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मची हुई है दरअसल, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया जी भी मैदान में आ चुके हैं और उनका थोड़ा सा लोगों का मन में थोड़ा डर और भय है। और यहाँ के सील सुशील, यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि हमारा विधायक सज्जन सुशील हो यहाँ का, जो कि एक विकास की लंबी लकीर खींच सके, जो कि ओपीएस भदौरिया जी ने 5 साल के अंदर इतना विकास किया है जितना अभी तक 70 साल में विकास नहीं हुआ है। क्या मानते हैं अगर टिकट नहीं मिला तो आप वोट किसको दें? अगर ओपीएस भदौरिया जी को टिकट नहीं देती है बीजेपी पार्टी तो इसमें बहुत बड़ी हानि होगी बीजेपी की, और यहाँ से जो भी कैंडिडेट बीजेपी से आएगा उसकी बहुत तगड़ी वाली हार होगी। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।